हेलो गाइस, मैं खुशी हूँ आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक भिखारी का किस्सा। एक्चुअली ये जो भिखारी है ये एक शोरूम में पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां पर सबसे महंगी गाड़ी खरीदने की बात करने लग गया। और जब शोरूम वालों ने इस भिखारी को देखा तब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लग गए और तब उसने जाके सबसे महंगी गाड़ी भी खरीद ली। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहां से आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, हर जगह पर फैली हुई है इसकी बातें और फोटोज। चलिए जानते हैं, इसके ऊपर नजर डालते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। सो गाइस, आप लोगों को पता है कि भिखारी जो होते हैं वो रोड साइड पे बैठे होते हैं, रेलवे स्टेशन पे बैठे होते हैं, बस स्टैंड पे बैठे होते हैं, या मंदिरों के बाहर या हॉस्पिटल के बाहर। और वो लोग क्या करते हैं, भिखारी है तो भीख ही मांगेंगे, उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। पर कभी आपने भिखारी को किसी शोरूम में जाते हुए देखा है? तो अगर शोरूम में भी चला गया तो उसका तो ऑफकोर्स मजाक तो उड़ेगा ही, उसको कौन सोचेगा कि भाई ये इतनी बड़ी गाड़ी खरीद सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। पर ध्यान रखिए, चेहरे के ऊपर और उसके कपड़ों के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार आदमी अंदर से क्या होता है आपको कभी कभार पता नहीं होता। अगर कोई इंसान बात कर रहा है तो उसके साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, क्या मालूम कब क्या निकल जाए। तो यहाँ पर ये जो केस है हमारे सामने थाईलैंड से आ रहा है, जहां पर एक भिखारी एक शोरूम में जाता है और वहां पर जब वो एंटर करता है तब शोरूम के जो स्टाफ रहते हैं उसको देख के हंसने लग जाते हैं। और पहले तो वो पूरा शोरूम झांकता है और झांकने के बाद स्टाफ को बोलता है कि मुझे कोई एक टू व्हीलर लेना है, एक बाइक लेनी है, तो आप मुझे बाइक दिखाइए। तो वो हंसने लग जाते हैं और उसको बाइक नहीं दिखाते हैं। और दिखाने के साथ साथ वो मैनेजर को बुलाता है, मैनेजर भी हंसने लगता है। मैनेजर को बोलता है कि मुझे हार्ली डेविडसन देखनी है, मतलब कि बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है, लड़का लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो गाइस आप बताइए कि आप लोग पसंद करते हैं हार्ली डेविडसन या आपके पास है, बताते हुए जरूर जाइए, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। तो ये भिखारी भी हार्ली डेविडसन की बात कर रहा था और उसी दौरान मैनेजर हंसने लग गया बहुत ज्यादा कि ये कैसे खरीद सकता है उस चीज को, और बाहर निकालने के लिए लगे। और तब वो भिखारी काफी ज्यादा चिल्लाने लगा और बोला कि मुझे अभी मैनेजर से नहीं, मुझे तुम्हारे मालिक से बात करनी है। उसको काफी ज्यादा इंसल्ट फील हुई, ऑफकोर्स किसी को भी होगी। और उस दौरान ये सब चीजें हुई कि वो लोग मालिक को बुलाने के लिए तैयार नहीं थे, पर उसकी इतनी ज्यादा चिल्लाने के बाद मालिक को आना ही पड़ा वहां पर। और जब मालिक आया वहां पर तो उसने पूरी करतूत बताई उसके स्टाफ की, तो स्टाफ सब नीचे करके बैठा हुआ था, पर स्टाफ को लग रहा था कि ये तो भिखारी है, इसका कौन मानेगा। तो उस दौरान ही वो जो मालिक रहता है उसको भिखारी बोलता है कि मुझे एक्चुअली हार्ली डेविडसन देखनी है और मुझे पसंद आई तो मैं उस हार्ली डेविडसन को लूंगा। तब वहां पर मालिक ने उसको बाइज्जत उसको दिखाई वो बाइक और उसको पसंद भी आ गई। और पसंद आने के बाद उसने वहां पर पेमेंट भी की और वो बाइक लेके वहां से चला गया। और जो स्टाफ था वो हक्का बक्का रह गया, देखते ही रह गया, उसकी आंखें फट गए। और इस चीज से हमें पता चलता है कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई कैसा कब कहां पर हमें मिल जाए हमें पता नहीं होता। तो गाइज ऐसी सब चीजें करना बंद करो। अगर कोई भी आपसे प्यार से बात करता है तो आप भी उससे प्यार से बात करो। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।